इसके अंदर वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल गेमिंग टैबलेट है और ये टैबलेट ज्यादातर लैपटॉप्स को भी बीट कर रहा है। अलग से जीपीयू लग जाता है, एकदम टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर है, ग्राफिक कार्ड इसका अपना भी बहुत। ओह माय गॉड, आरओजी बाउंस, इसके साथ तो बाउंस अगर कर दिया मैं दुनिया से बाउंस हो जाऊंगा भाई। मेरे को ना पता नहीं कहां से खुलेगा, मेरे को मिल गया तो मैं इसको खोलने के लिए लाऊं। मजाक कर रहा था ये तो, अब इसको भी खोलने के लिए लाना पड़ेगा भाई। अब आ गया टाइम खोलने का भाई। ये देखो क्या मिल गया भाई, कार्ड मिल गया, डेबिट है क्रेडिट है, अल्टीमेट कार्ड। जैसे कि देख सकते हो भाई, आरओजी के हेडफोन पड़े। अरे भाई ये देखो, 100 फ्री मिली है, काफी लचीला सा लग रहा है, इसको पहन के असली गेमर लग रहा हूँ भाई मैं। तारे वारे भी, ओए यूएसबी सी वाली तार दे रखी है। बट यार हेडफोन ट्राई करते रहेंगे, अपने गाना वाना बजाएंगे खूब। ये भी दे रखा भाई एक्सबॉक्स कंट्रोलर, यहाँ पे आरओजी का सिंबल है, अलग अलग चीजें, बटन जो इसको रखते साइड में भाई। लैपटॉप तो है नहीं यार, ये क्या मजाक हो गया भाई। भाई अभी कुरियर से आया है। ओ भाई लैपटॉप का अलग डब्बा यार, मेरे को पता चला। ओहो ये डब्बा ऐसे यहाँ से साइड से कटा कटा सा लग रहा है। ओ ये एक और डब्बा, ये भी एक और डब्बा भाई। पाउच के अंदर एक और पाउच, और भाई इसके अंदर एक और पाउच। मजाक कर रहा था, ये हैंडल इसका नाम है आरओजी फ्लो। ये एक बहुत ही अलग लैपटॉप या टैबलेट या जो भी आपका बोलने का मन करे। ओहो सारे फीचर सब कुछ इधर ही लिख दिया। ओ भाई ओ, इसमें बता रखा भाई कैसे चलाना है, हमको पुस्तकें बताएंगे भाई लैपटॉप कैसे चलाना है। आंख बंद करके चला दो, मैं करके दिखाओ। ये देख मैं सही गेम खेल रहा हूँ ना मैं, कुछ भी। ओ भाई ये क्या है, ये वाला स्टाइलस है। एक और डब्बा भी है भाई, इस डब्बे में क्या डाल दिया। अच्छा चार्जर भी है, चार्जिंग वाला लग रहा है, डायरेक्ट यूएसबी सी में, और 100 वॉट का अडाप्टर लगा रखा है भाई यहाँ पे। ये है एक टैबलेट और ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल गेमिंग टैबलेट है। बैक साइड में ओजी लिखा हुआ है और यहाँ पे बेंट्स भी ना, मतलब अलग से ही ऐसे स्टाइल में बना रखे हैं। और यहाँ पे अगर ऐसे पास से देखो तो यहाँ पे एक्चुअल अंदर की तरफ आप पूरा मदरबोर्ड देख सकते हो। एक दो चीजें और जो यूजुअली लैपटॉप में देखने को मिलती, ये देखो यहाँ पे कैमरा दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ फॉर दोज हु डेयर बिल्ड, जैसे कि देख सकते हो भाई काफी सॉलिड। नीचे की साइड देखो रिपब्लिक ऑफ गेमर बना हुआ, यहाँ पे रेड कलर आरओजी लिखा हुआ। यहाँ पे ऊपर की साइड पे देखो ये यूएसबी टाइप सी अंडरबोल्ट पोर्ट है, यहाँ पे ना एक रबर कुछ लगी हुई। आपको लग रहा हो भाई ये क्या डाल दिया, ये एक्चुअली एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड लग जाता है, मतलब बाहर की शक्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते। कोई ऐसी बहुत ही तगड़ी गेम खेलनी जैसे सुपर मारियो या स्नेक, तब इसकी जरूरत पड़ सकती। ऊपर की साइड यहाँ पे बड़े बड़े दो वेंट्स लगा रखे हैं पूरा कूलिंग के लिए। दूसरी साइड पे भी एक हेडफोन जाके यूएसबी का पोर्ट है, वॉल्यूम अप डाउन, और यहाँ पे पावर बटन दे रखा है, अपने पैरों पे भी खड़े हो जाता है। आपको लग रहा हो ऐसा कैसे, इसकी टांगे तो है ही नहीं। ये जो आप रेड वाला था ना, जो आपको लग रहा था कि ये क्या दे रखा है, उसे खोलना है। 170 डिग्री भाई, पूरा प्राणायाम। एक चीज मेरे को काफी मस्त लगी कि इसको जो हिंज है ये, मतलब ये पूरे सॉलिड ऐसे लोहा लंगड़ वाले हैं भाई। और यहाँ पे आप देखोगे आप बोलोगे ये क्या दे रखा है, ये एक्चुअली M.2 है, इसमें एक SSD आती है छोटी वाली, बहुत तेज चलती है, मजा आता है। ओ भाई एक चीज और मैं नोटिस करी, ओए माइक्रो SD का स्लॉट भाई यहाँ पे। ये किसी भी एक नॉर्मल टैबलेट से काफी ज्यादा अलग है, हाथ में अगर आप पकड़ोगे तो काफी एक अच्छा खासा हेफ्ट है। नॉर्मल टैबलेट जितने भी रहते हैं सारे एंड्रॉइड बेस्ड टैबलेट होते हैं, बट ये वाला एक विंडोज बेस्ड टैबलेट है। इसमें आप एक एक्सटर्नल GPU लगा के सारी विंडोज वाली गेम्स खेल सकते हो भाई। एक बार खेल के देंगे तब और अच्छे से बजे। इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो अभी तक का वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रोसेसर्स में से एक है। ये वाला टैबलेट एक 2-in-1 हाइब्रिड डिवाइस है, इसमें कीबोर्ड मिल रहा से खट करके से टच हो जाता है। एक्चुअली पूरा ही RGB है, तो भाई जितने भी कलर्स हैं वो सारे आपको बैक साइड में देखने के लिए मिलेंगे। ये एक चिकलेट कीबोर्ड है, तो भाई टैक्टाइल फीडबैक काफी इंटरेस्टिंग आ जाता। ट्रैकपैड एक्चुअली छोटा सा है साइज में, बट एक ग्लास ट्रैकपैड है। ASUS ने अपना एक कॉन्सेप्ट बनाया था ASUS मदरशिप करके, उसमें मतलब भाई एक ऑल-इन-1 डिवाइस बनाने की कोशिश करी गई है जिसमें टैबलेट कंप्यूटर सारी चीजें एक साथ हो। ये लैपटॉप उन लोगों के लिए भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा जो एक छोटा गेमिंग लैपटॉप चाह रहे हैं। इसमें एक 13.4 इंच का फुल IPS पैनल है, 120 हर्ट्ज वाला चल रहा है भाई काफी तेजी से। एक चीज और मेरे को काफी इंटरेस्टिंग है, ये पैंटोन वैलिडेटेड है। अगर आपको फोटोशॉप चलाना है या फिर कोई भी ऐसे कलर ग्रेडिंग वेडिंग ऐसा टाइप कुछ करना है तो एक्चुअली काफी ज्यादा एक्यूरेसी रहती है। इसमें नीचे ऊपर लेफ्ट राइट जितने भी एंगल से देखना भाई काफी बढ़िया। इसमें i9 12th generation 12900H प्रोसेसर है, उसके साथ साथ RTX 3050 Ti है। जिन लोगों ने नहीं पता तगड़ा भाई, लैपटॉप में भी एकदम जो गेमिंग एंड वाले लैपटॉप्स होते हैं उनमें ही खाली आपको ये देखने के लिए मिलता है। इसमें 16 GB DDR5 RAM है, 8 GB की दो स्टिक लगा रखी है, 1 TB की SSD भाई। इसमें जैसे कि देख सकते हो भाई इसका डिस्क स्पीड का स्कोर भी बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। हमने बेंचमार्क्स भी ट्राई करे, 3D Time Spy, Cinebench R23, और ये मतलब सही है भाई जिनको नंबर नंबर से पसंद है। इसमें भाई मोड वोड चेंज कर सकते हैं, टर्बो पे जाना है, मैनुअल पे जाना है, साइलेंट करना है, विंडोज वाले में करना, बैलेंस्ड हमको बैलेंस चाहिए भाई। ये टर्बो मोड अगर आप ऑन करते हो तो फैंस ऊपर की साइड वाले लाउड हो जाते हैं, मतलब इतने भी लाउड नहीं होते कि घर वालों को दिक्कत होने लगे। और क्योंकि एक विंडोज लैपटॉप है तो आप जितनी भी एक्सेसरीज हैं जैसे गेमिंग कंट्रोलर्स हैं या फिर हेडसेट्स वगैरह आप सारे कनेक्ट कर सकते हो। इसमें एक 56 वाट आवर की बैटरी जिससे 4-5 घंटे भाई चल जाएगी, और भाई कंट्रोलर से ही मन भर गया, बट टच स्क्रीन से भी गेमिंग चल जाती है भाई मस्त। भाई स्पीकर भी चला के देख ही ले यार,
काफी सारे टैबलेट्स में क्वाड स्पीकर सेटअप आ रहा है, बट इसके अंदर डुअल है वैसे। हमने इस डिवाइस को हर तरीके से यूज करके देखा, वेब ब्राउजिंग के लिए हमने फोटोशॉप चलाया, आराम से लग पा रही है। हम भाई इस पे काफी नेक्स्ट लेवल गेम्स चलाने वाले। सबसे पहले भाई मैं ना बचपन में पंक बनना चाह रहा था, तो साइबर पंक बन जाएंगे। जैसे कि देख सकते हो इसमें हमने हाई पे रखी सेटिंग और 50 के ऊपर ही FPS पूरा आ रहा है। रात के शहर में घूमने में भाई मजा ही अलग आ रहा है भाई। कहा दिल्ली में भी ऐसी नाइट लाइफ होती तो अलग ही सेट मामला रहता। नेक्स्ट हम चलाएंगे बैटलफील्ड 5। इसमें जैसे कि देख सकते हो भाई 69 से 70 FPS काफी हद तक कांस्टेंट आ रहा है। इसमें ना एक अडैप्टिव सिंक टेक्नोलॉजी है, तो गेम्स में कहीं पे भी टियरिंग या फिर ऐसी कुछ चीज नहीं आती, तो मतलब काफी स्मूथ सा लगता है। तो जितना रिफ्रेश रेट स्क्रीन का है ना, तो भाई एक्चुअल गेम चलती है तो काफी स्मूथ सी फील होती है। ओवरऑल ये टैबलेट इतने पतले फॉर्म फैक्टर में भी काफी ज्यादा पावरफुल है और AAA गेम्स काफी आराम से रन कर सकता है। इसमें लगा रखा भाई प्रोसेसर, उस पर लिक्विड मेटल, मतलब गीला लोहा लपेट दिया भाई। मतलब साइड में कूलिंग पेस्ट की जाए लिक्विड मेटल, एक्चुअली काफी बेटर कंडक्ट करता है, तो हीटिंग काफी कम होती है। उसके साथ साथ एक वेपर कूलिंग चेंबर भी है, और हाथ में पकड़ के अगर आप ऐसे खेलोगे तो एक्चुअल हाथ में सारी चीजें फील होंगी, तो इसलिए भाई इसमें कूलिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनों को लग रहा हूँ भाई ये क्या ले आया, ये बड़ा, ये एक एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड है, और ऐसा करना आज से 4-5 साल पहले बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था। बट अब एक टैबलेट के अंदर आप एक डेस्कटॉप लेवल का ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो, एकदम टॉप ऑफ द लाइन गेम्स आप एकदम स्मूथली खेल सकते हो। भाई पोर्ट वोर्ट में कोई कमी नहीं छोड़ी है, एक तो इस तरफ भी अपना पंखा लगा रखा है, इस तरफ भी पंखा है, USB ईथरनेट, ये अलग अलग तरह के पोर्ट लगा रखे हैं, और एक SD कार्ड, ये ASUS वालों का कनेक्टर है जिससे आप ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो। इसका जो पोर्ट है ना अलग से ही दे रखा, जो नॉर्मल आपका स्टैंडर्ड थंडरबोल्ट पोर्ट होता ना उससे भी काफी ज्यादा फास्ट है। Far Cry 6 इस पे जैसे देख सकते हो भाई 60 से 70 FPS आपको देखने के लिए मिल रहा है हाई सेटिंग्स के ऊपर। टेम्परेचर वैसे 70 डिग्री का राउंड है, मतलब स्मूथली तो चल पा रहा। GTA चला देंगे भाई, अभी हम चला रहे हैं नॉर्मल लैपटॉप की GPU, वैसे चल रहा है बट अभी साइड में रखा हुआ है, इसको चला नहीं रहा, कनेक्ट नहीं कर रहा भाई। जैसे कि देख सकते हो 50-55 FPS के राउंड आ रहा है। अंकल खौफ में रहना होता है, ये लो उड़ो उड़ो उड़ो। इसका तो मिशन क्या, इसकी गेम फेल कर दी मैंने। अब आगे टाइम ROG XG मोबाइल पे शिफ्ट कर लेंगे, ओके दबाएंगे, अब एक्टिवेट हो जाएगा हमारा सीक्रेट वेपन। भाई एक FPS आ रहा भाई 188 FPS, ये लो खोल दिया गेट गोली से भाई। जैसे कि देख सकते हो भाई ट्रिपल फ्रेम रेट आ रहा है भाई, जितना पहले आ रहा था उसका ट्रिपल। इसमें NVIDIA का 3080 ग्राफिक कार्ड पड़ा हुआ है, बट अगर डेस्कटॉप वाले से कंपेयर करो 3070 के अराउंड रहती है परफॉर्मेंस, जो मेरे हिसाब से काफी तगड़ा है भाई। क्या गाड़ी आ गई ना भाई, भाई FPS तो 60 कॉन्स्टेंट आ रहा है, इससे ऊपर आ ही नहीं पा रहा, ये ऐसा लग रहा है बेचारा अटक गया भाई। वैसे पहाड़ पे चलाने का अलग ही मजा है भाई, अभी भी 60 ही आ रहा है। अब मैंने कर दिया अनलॉक कर दिया भाई, जैसे कि देख सो अब आ रहा है भाई 87, 88, 89, 90 FPS भी टच कर रहा है, कभी थोड़ी बढ़ जाती है कभी थोड़ी कम हो जाती है। फोर्ज़ा में इतनी FPS आना भाई बड़ी बात। इसमें और भी वेरियंट देखने मिलते हैं जैसे RTX 3070 और Radeon 6850 XT। इसमें पावर भी एक्चुअली आपको अलग से कनेक्ट करनी पड़ती है, काफी ज्यादा पावर हंग्री है, उसके अंदर अपना एक पावर सप्लाई भी है। हम रुकेंगे नहीं भाई, हम 6K वीडियोस एडिट करके देखते हैं भाई, लेट्स गो। जैसे कि अभी देख पा रहे हो भाई ये 6K फुटेज है, मजाक में 1, 2, 3 आगे पीछे स्क्रॉलिंग 6K फुटेज प्लेबैक करना भाई एक्चुअली काफी टफ है। इसमें जैसे कि देख सकते हो भाई ग्राफिक्स काफी तगड़ा है, 6K फाइल भाई 3 मिनट के अराउंड में रेंडर करना भाई बड़ी बात है। एक चीज मेरे को और इंटरेस्टिंग आई भाई, काफी सोच समझ के बनाया है, क्योंकि जितने भी वेंट्स हैं अगर आप ऐसे पकड़े यूज करो तो आपके हाथ में वेंट्स कभी नहीं लेंगे, और अगर ऐसे लैब वैप के ऊपर भी रख के करते हो तो भाई नीचे की तरफ कोई भी वेंट्स नहीं है, तो गर्म हवा नहीं आई। जितने भी वेंट्स हैं ऊपर की साइड में, फ्रंट साइड में भाई 720p कैमरा, और बैक साइड भाई मतलब चल जाता भाई बढ़िया, क्वालिटी डिसेंट है, मतलब वीडियो कॉल वॉल चलानी तो भाई बढ़िया चल जाएगा। हमने इसमें काफी सारे गेम्स खेले बट इसका टेम्परेचर कभी भी 70 डिग्री के ऊपर नहीं गया। इसमें ना मक स्विच भी है, तो जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है ना भाई अंदर, उसको बाईपास 3050 Ti डायरेक्ट चलाएगा। बट एकदम ऑनेस्ट बताता हूँ भाई, ये डेफिनेटली एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टैबलेट है। हमने इस पे गेम्स खेली, अलग अलग सॉफ्टवेयर चलाए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपका एंड्रॉइड वाला टैबलेट नहीं कर सकता और आपका विंडोज वाला कंप्यूटर नहीं कर सकता, और ये सारी चीजें कर लेता और काफी इंटरेस्टिंग सा गठबंधन टाइप है। इसका स्टार्टिंग प्राइस 1,36,990 रुपीज है, हम जो ऐसे रिव्यू कर रहे हैं थोड़ा महंगा वाला है, ये 1,81,990 रुपीज का ओनली। मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि भाई आजकल डाइटिंग वाइटिंग है ना माहौल, ये भी डाइटिंग पे चल रहा है भाई, गेमिंग एक्चुअली काफी ज्यादा पोर्टेबल जा रही है, और ये भी मतलब वही है, बट हमको काफी ज्यादा मजा आया इसको ट्राई करने में, होपफुली आपको भी। अगर आप लाइक करना सब्सक्राइब कर दो चैनल को, हमसे नेक्स्ट वीडियो, बाय। ये वाला शॉट मस्त गया था।